ओम मेरे जी हो ओम प्यारे जी हो। 2000 माओं की माँ और बापों का बाप कैसे मुख मोड़ सकता है, कैसे नाता तोड़ सकता है? इसलिए तू परम सुहृद है ना, तू सबका प्यारा है ना, तू सबका रखवाला है ना, तू सबका हितेशी है ना, और तू मेरा तो खास है ना, आए ना। ओम ओम प्रभु जी ओम ओम मेरे जी ओम, तू मेरा है ना, आए ना, आए ना। ओम ओम प्यारे जी ओ, तू प्यारा है ना, है ना, है ना। हाँ, तू आनंद स्वरूप है, तू प्यारा है, तू चिदघन है, तू चैतन्य है, और तू सदा है, शाश्वत है। पत्नी को तो हम छोड़ सकते, पति को भी छोड़ना पड़ता है, यहाँ तक कि बेटे और बाप और सेठ और नौकर को भी छोड़ना पड़ता है, अपने शरीर को भी छोड़ना पड़ता, तो दूसरों को कब तक रख सकते? लेकिन तुझे छोड़ सके ऐसी हमारे में ताकत नहीं, और तू हमें छोड़ सके वो तुझ में भी ताकत नहीं, क्योंकि तू सदा सर्व का आत्मा है ना प्रभु, मेरे माधो, मेरे दीन दयाल, मेरे रब, मेरे आका, मेरे खुद खुदा, तू खुद ही तो है, तू रोम रोम में रम रहा है, इसलिए तू राम है, तू कल्याणकारी है, इसलिए तेरा नाम शिव है, और तू आनंद स्वरूप है, इसलिए तेरा नाम सच्चिदानंद है, तू सदा है, चेतन है और आनंद है, इसलिए तेरा नाम सच्चिदानंद भी है प्रभु। माधव गोविंदा गोपाल गुरुवरा इष्ट देवा प्यारे देवा मधुमय देवा, कितना भी दुख और चिंता हो, बस इस प्रकार उसको प्यार करते जाओ, तुम्हारे दुख और चिंता काफूर हो जाएंगे। जैसे आकाश में पक्षियों का चिन्ह नहीं होता और पानी में मछलियों के पद चिन्ह नहीं होते, ऐसे प्रभु को प्रेम करो तो तुम्हारे दिल में दुख चिन्ह नहीं होगा ना, क्योंकि दुख हरी जो है, हरी पाप ताप और दुख को हर ले। ओम ओम हरि ही ओम 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 हरि ही ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम ओम रब जी ओम ओम विठल ओम 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 पांडुरंगा ओम 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 माझी माउली ओम। तू मेरी माउली भी है, तू मेरी माता भी है, मेरा पिता भी है, तू मेरा बंधु भी है और सखा भी है, तू मेरा आका भी है और तू मेरा अकाल पुरुष भी है, और तू मेरा अद्वैत ब्रह्म स्वरूप भी है प्रभु मेरे माधो। ओम ओम माधो जी ओम ओम गोविंदा ओम ओम गोपाल ओम ओम झूले लाल ओम।
ओम ओम अम्बे माँ ओम। तू अम्बे माँ के रूप में भी तू, झूले लाल के रूप में भी तू। अरे प्रभु तेरे कई रूप है, ऐसा कोई रूप नहीं जो तेरा न हो। सभी में तेरी सत्ता है, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें आकाश तत्व न हो। ऐसे ही ऐसा कोई रूप नहीं जिसमें तेरी सत्ता न हो। हे सर्वेश्वर, हे देवेश्वर, हम अल्प शरीर को और अल्प वस्तुओं को ही मैं और मेरा मानकर बंधे थे तेरी इस वैष्णवी माया में। अब तेरी कृपा हो रही है, इसको मैं मेरा नहीं मानते, तुझी को मेरा मानते हैं और अपने को तेरा मानते। मैं मेरा तू तेरा सब गया बस। ओम ओम विभूजी ओम। तू व्यापक है और हम तुझ में, तू हम में। जैसे आकाश में घड़े और घड़े में आकाश, सभी मिठाइयों में शक्कर, ऐसे सभी जीवों में शक्कर के बाप का बाप मेरा। ओम ओम प्रभु जी ओम ओम मधुमय ओम 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 आनंद ओम। ऋषियों के शुद्ध हृदय में तेरा ही तो प्रकाश है, तभी तो उपनिषद वे लिख पाए बोल पाए। व्यास जी के हृदय में भी तो तू ही चमचम चमका, 18 पुराण लिख डाले, 18 उपपुराण लिख दिए, 4 वेदों का सार स्वरूप महाभारत और विश्व का प्रथम आर्ष ग्रंथ ये किसने लिखा? मैंने लिखा नहीं। मैं की गहराई में जो तू बैठा है वो तेरी कृपा चमकी। ऋषियों के आईने में तेरा नूर दर्शाया था, है ना? है न मेरे गोविंदा माधवा। प्रभु राम राम मेरे जी राम, श्याम श्याम प्यारे जी श्याम, हरि हरि मेरे जी हरि, प्यारे जी हरि प्रभु जी हरि। ओम ओम माधो जी ओम। हरि डूबते जाओ, प्रीति पूर्वक स्मरण करते करते तुम खोते जाओ और जिसी के हो उसी में डूबकर उसी मैं होते जाओ। सो प्रभु दूर नहीं, प्रभु तेरा आत्मा है, प्रभु तेरा तू ही है। काहेरे मन खोजन जाए, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तेरे संग साथ सहाय। ओम ओम प्रभु जी ओम। ये ओमकार मंत्र की छंद गायत्री है और इसके ऋषि भगवान आदि नारायण ने ओमकार की ध्वनि की महिमा खोज डाली और इसके देवता कौन है? ये अंतर्यामी सर्वव्यापक सर्वसमर्थ परमात्मा। और हम क्यों जपते ओमकार? कि ईश्वर की प्रीति के लिए, ईश्वर के आनंद के लिए, ईश्वर में खो जाने के लिए ईश्वर का नाम जपते बस। तो इससे यह लोक सुखी पर लोक सुहेली नानक। तू था मारो तो हूं थू तारो, तू नहीं मारो तो माथू उतारो। हम भगवान के होकर भगवान का भजन स्मरण करते तो बस फिर भगवत मय रस से हम बिल्कुल निर्दुख निश्चिंत और निजानंद के करीब हो जाते हैं। द्वेषी आदमी दूसरे के दोष राई जैसे भी पहाड़ जैसा समझकर देखता है और प्रेमी दूसरे के पहाड़ जैसे दोष भी राई से भी नन्हे देखता है। द्वेषी आदमी को अपना जरा सा गुण भी पहाड़ जैसा लगता है, द्वेषी आदमी को दूसरे की जरा सी भूल भी पहाड़ जैसी लगती है, अपना जरा सा गुण पहाड़ जैसा लगता है। लेकिन भगवान के भक्त को
अपना बड़ा गुण भी राई जैसा लगता है और दूसरे का बड़ा दोष भी राई जैसा लगता है, दूसरे का राई जैसा गुण भी बड़ा लगता है और अपना राई जैसा दोष भी पहाड़ जैसा लगता है। ये भगवान के भक्त की पहचान है, द्वेषी की पहचान अलग है। राम राम मेरे जी राम, ओ ओ प्यारे जी ओ।